आराम से आराम से। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग फिर से हाजिर है किसी परिवार की जान बचाने के लिए, और ये परिवार जो है 12 बजे से लेकर लगभग 4 घंटा हो गए, ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। खाना तक नहीं खाया है इन्होंने, बच्चों को तो जैसे तैसे जो खिला दिए, लेकिन बड़े लोग खाना नहीं खा पाए हैं क्योंकि इनके यहाँ पे किचन के छानी पर ही लगातार ये लोग सांप को देख रहे हैं। तो हम लोगों के बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग लेट आए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं भैया आप लोगों से। लेकिन चलिए इनके डर को दूर करते हैं और इनके पेट में अन्न चले जाए, इतना ही लोगों को टेंशन फ्री करते हैं। दोस्तों ये लोगों का किचन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ऊपर वाला हिस्सा देखिए, छानी के इस कॉर्नर वाले हिस्से में ही ये लोग लगातार पिछले 4 घंटे से एक सांप को देख रहे हैं। छानी में लगे भागने की जगह बहुत ज्यादा। दोस्तों देखिए इस कॉर्नर पर जाके सांप घुसा हुआ है। दोस्तों ये एक बिग साइज का सांप है, और इस सांप के स्पेशली ये कहावत है कि इनका मसल्स पावर इतना ज्यादा होता है, और जिस जगह पर ये सांप है दोस्तों ना वहाँ पे मेरा हाथ जा सकता ना कुछ। फिर भी चलिए इस टफ रेस्क्यू को हम लोग कम्प्लीट करते हैं। कम्फर्टेबल हो जाऊँ मैं? हाँ, जगह नहीं है ना काम करने के लिए। कहीं आगे जा रहा है। दोस्तों यहाँ से तो रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सांप जो दिख रहा था थोड़ा बहुत वो भी अंदर चला गया है, और मेरे पास यहाँ पे वर्क करने का, खड़े होने का भी कंफर्टेबल जगह नहीं। तो इस रेस्क्यू को हम लोग बाहर से कंप्लीट करेंगे। सावर ऊपर से थोड़ा करंट वाला है सांप? नहीं, तो ग्रिप बनता है। बच्चे लोग आसपास मत आना ना कोई। दोस्तों ये हम लोग आधे घंटे से छत के कॉर्नर को हम लोग तोड़ रहे थे कि सांप को ढूंढने के लिए, ये देखिए। और सांप जिस कॉर्नर पे छुपा था ये देखिए कहाँ पर है सांप, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है इस गिरने का, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे स्लिप हो रही हूँ। वहां तक कुछ पहुंचने तक ना मुझे अभी और मेहनत लगेगी। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। निकले बस, कुछ पकड़ा गया।
पूछ और बुड्ढी दोनों चीज निकाल के रखेंगे। डरो मत, डरो मत, डरो मत भैया, डरो मत, घबराओ मत। आराम से, आराम से। सीढ़ी को ठीक से लगाओ भैया, पकड़ो तुम। सीढ़ी को दीवार में लगाओ ना भैया, कुछ नहीं होगा। दीवार में लगाओ, दीवार में लगाओ। बस छोड़ दीजिए। तो वो भी आदि सारे जो भय है ये सब बताते हैं। जो सदा व्रत धारण करते हैं, जो व्यक्ति सदा व्रत करता है और जो सदा भगवान का स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी यमराज का ये एक बहुत शक्तिशाली घोड़ा पछाड़ सांप है। इसको घोड़ा पछाड़ी से कहा जाता है क्योंकि इसके लिए कहावत आती है कि अगर ये घोड़े के पैर को भी बांध दे तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जबकि घोड़े को इतना फुर्ती वाला और ताकतवर जीव माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घूम रहा है ताकि ये अपने आप को छुड़ा के भाग सके अपने पूंछ को तोड़कर। ये रेड स्नेक है जिसको यहाँ लोकल में असड़िया कहा जाता है। दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि जो खास जानकारियां होती है वो लोग हम लोग लास्ट में स्पीच में देते हैं। और सांप से जुड़ी किसी भी जानकारी को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर स्नेक बाइट हो जाए तो किस तरीके से आप सामने रहकर उस इंसान की जान को बचा सकते हैं या उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यूसली हम लोग, क्योंकि इस चीज से जुड़ी हुई हर जानकारी या सांप से जुड़ी हुई कोई भी भ्रामिक चीज हो, मिथ हो, गलतफहमी हो, उसको हम लोग अपने वीडियो में लाते रहते हैं। और अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हमारा इसमें कॉन्टेक्ट नंबर, आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम लोग एनी टाइम आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने अपने परिवार और अपने पर्यावरण का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।